मैं नरेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल सर्विस सॉल्यूशन में। हमारी जो क्लास चल रही है वो एमएस वर्ड को लेकर चल रही है, इसमें आपको मैं सारा का सारा मैन्युअल वर्क करा रहा हूँ। तो अभी तक हमारा जो टॉपिक हो चुका है पेज लेआउट, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेफरेंस। इसमें जो मेन टॉपिक है मैं आपको वो टॉपिक कराने जा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे लिए यूजफुल टॉपिक है हम उसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम विंडो ओपन कर लेंगे। विंडो ओपन होने के बाद हम रेफरेंसेस पे जाएंगे। रेफरेंस पे सबसे जो पहला जो टॉपिक है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो उस पर वर्क करेंगे हम। हमने क्या करा कि जो पैराग्राफ था उसको हमने अलग अलग शीट पे ले लिया, ब्रेक करके, पेज ब्रेक करके। पेज ब्रेक मैंने आपको इंसर्ट कमांड में करवा चुका हूँ मैं। इसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे हम क्लिक करते हैं और उसको हम नेक्स्ट शीट पे ले आते हैं। अब ये जो पहली शीट है वो ब्लैंक हो चुकी है हमारी। पे मैंने और ऑन और दाव को यानी कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जाने के बाद हेडिंग पे क्लिक करके जो हमारे पास जो थीम टाइप का जो आ रखा है स्टाइल से जो हमारे पास, उसे मैंने हेडिंग वन पे क्लिक किया और इसको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया। इसी तरह से सेकंड शीट पे गया यानी कि थर्ड शीट जो है हमारे पास, फर्स्ट शीट हमारी ब्लैंक है और सेकंड शीट से स्टार्ट किया हुआ, नेक्स्ट शीट पे जाता हूँ और टू चेंज इसी लेवल पे जाके हेडिंग को ऐड कर दिया इसको। अब मैं शीट वन पर आता हूँ और रेफरेंस पे क्लिक किया, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक किया मैंने। यहाँ से देखिए हमारे पास जो हेडिंग है यहाँ पे शो हो रही है यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ से हम जो भी हेडिंग चूज करना चाहें हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गए हैं। ये हमारे लिए मोस्टली देखा होगा कि इंडेक्स बना हुआ होता है हमारे बुकों पे, तो उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होता है और ये काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल है। तो यहाँ पे जाने के बाद है ना, यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमारे पास जो फर्स्ट शीट ली है, यहाँ पर हमने ऑन द को सिलेक्ट किया था तो ऑन द का पेज नंबर 2 आ गया, फिर यू कैन कर पेज नंबर 3 आ गया, 2 चेंज भी क्लिक किया, 4 आ गया। इसलिए इंडेक्स में हम कुछ भी जो भी हमारे पास जो हेडिंग है यानी जो टाइटल है जो हमारे पास, उस आपने देखा होगा बुक में लिखा होता है लेसन का नेम लिखा होता है, उसके बाद पेज नंबर लिखा होता है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है उसको आप इजीली इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि आपको टाइप करना नहीं पड़ेगा, आपको सीधा सीधा वहाँ पे आपको टाइटल लेंगे जो भी आपने हेडिंग बनाई है और वहाँ पर पूरा का पूरा वो शीट नंबर 1 पर शो हो जाएगा, इंडेक्स आपका तैयार है। पेज ब्रेक कर दिया और इसको भी फिर हमने ये हाईलाइट किया। यहाँ पर मैंने अपडेट टेबल कर दिया है, अपडेट एंटायर टेबल सिलेक्ट करा, ओके करा, तो जो भी हमने अपडेट करे हैं यहाँ से वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगा। अब हमारे पास जो है टॉपिक इंसर्ट फुटनोट, तो इंसर्ट फुटनोट करते हैं। फुटनोट जैसे कि आपने
देखा होगा जब मैंने हेडर फुटर कराया था, तो हेडर फुटर में जो अपने जो फुटर ले रहे थे हमारे पास, वहाँ पर हमने टैग कर दिया था और हमारे पास फुटर शो कर रहा था। सेम एज इट इज ये वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप फुट नोट्स को उसमें टैग करना चाहें वहाँ पर ईजिली आप टाइप कर टाइप उसमें करते, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग आप एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक रेफरेंस है, हमारे पास इंसर्ट फुट नोट होता है सेम जस्ट लाइक एट, ये भी वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे जैसे कि फुट नोट पे जाने के बाद हमने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लिंक पे है, देखिए हमारे पास जो नोट्स आ रहा है वहाँ पे तो हमारे पास क्या था फुटर था, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने उसका फुट नोट जो है हमने यहाँ पे शो कर दिया है। वन सीट नंबर वन पे आपको यहाँ पे दिखाएगा कि हमने जो क्या है फुट नोट 9999474 यानी कॉन्टैक्ट नंबर डाला था हमने यहाँ पे, वन सीट नंबर वन के हिसाब से वो यहाँ पे ये शो कर जाएगा जो हमारे पास नोट है। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू सोर्स पे जाते हैं, टाइप ऑफ सोर्सेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं जो भी मेरे पास जो बुक है यहाँ पे बुक पे क्लिक कर लेंगे, जो हमारे पास जो सेक्शंस बना रखे हैं यहाँ पे जो भी हमको चूज करना है वहाँ पे इजली आप चूज कर सकते हैं। तो हमने बुक पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने ऑथर का नेम जो भी है वो टाइप किया, टाइटल जो भी होना चाहे आप टाइटल कर सकते हैं, टाइप कर लिया ऑथर कुमार डायरेक्टेड कंप्यूटर ईयर 2019 दिल्ली, पब्लिशर का नेम डाल दिया हमने यहाँ पर, हमने सब ओके कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए कुमार 2019 करके आ गया है, ये यहाँ पे हमारे पास ऑथर नेम और उसका ये पब्लिशिंग डेट जो है हमारे पास वो शो कर गई है 2019। अब हम यहाँ पे बिब्लियोग्राफी लेते हैं और फिर वर्क जो कि हमारे पास वर्क क्लाइंट वर्क सीटेड है उस पर हम क्लिक करेंगे, वर्क सीटेड पे क्लिक किया तो देखिए हमें हमारे पास यहाँ पे आ गया कुमार 2019 कंप्यूटर दिल्ली और के यानी जो भी हमने वर्क किया था बिब्लियोग्राफी पे ये पूरा का पूरा वो शो हो जाएगा, जो हमने सारा का सारा इंसर्ट सिटेशन पे लिया था वो का पूरा शो हो जाएगा। चले लेते तो मैंने अर्जेंट पे पिक्चर ले लिया है पेंसिल क्लिप आर्ट, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस पे जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारे पास फिगर नंबर, क्योंकि मैंने एक को सिलेक्ट किया यहाँ पे फिगर नंबर 1 शो हो रहा है। ये आपने देखा होगा कि जब हम मैथमेटिकली जो वर्क करते हैं तो वहाँ पे जो भी वर्क होता है क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2 फिगर नंबर 3 वो शो होता है, तो इस तरह से ये शो होगा। और यहाँ पे हम न्यू नेम यहाँ से हम एडिट करना चाहें तो हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, जैसे हमारे फिगर नंबर 1 है तो यहाँ पर हम चाहें तो लेबल भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लेबल कर दिया, मैं लेबल का नेम जो भी पिक करके कर दिया और क्या करा, देखिए यहाँ पे जो फिगर नंबर 1 था वो चेंज हो गया फिगर नंबर 1 में, अब क्या किया तो इस तरह से इसको मतलब मोस्टली पिक्चर जो बने होते हैं उसके जो भी आपके जो नोट है तो उस क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग पिक्चर लेना चाहते हो आप इजली यहाँ पे ऐसे करके शो कर सकते हैं।
ये देखो, और रेफरेंसेस मीन्स कि जैसे कि आपने कोई पब्लिशर है बुक टाइप कर रहे हैं या कुछ नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें आप अगर इस तरह जा सकते हैं, तो ये सारा का सारा वर्क जो है उन कामों में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट पिक्चर में भी इस तरह से कर सकते हैं। एक नंबर यहाँ पे जो भी मैंने पिक कर लिया था, पिक अभी सारा पिक के नेम से शो हो जाएगा। हमारे पास टॉपिक है इंसर्ट टेबल और फिगर्स। यहाँ पे जो भी पिक्चर्स हैं वो सारी सारी टेक्स्ट के साथ में शो करके किया। यहाँ पे देखिए, जो भी मैंने पिक्चर ली थी, मैं पिक वन, पिक टू, पिक थ्री लिया था, तो यहाँ पे वो शो भी करेगा किस किस पेज नंबर पर वो है। और जैसे यहाँ पे हम कंट्रोल क्लिक कंट्रोल प्रेस के साथ क्लिक करेंगे, तो वो उसी पिक्चर पर जाके वो शो करने लग जाएगा, उसी पिक्चर पहुंचा देगा जो हमारे पास इंडेक्स हमने जो लिया है। जिस भी चाहे आपको पिक वन पे हो, टू पे हो, थ्री पे, जिस भी आप कंट्रोल प्रेस क्लिक करेंगे वो उस पिक्चर पर डायरेक्टली आपको वो पहुंचा देगा। तो ये था यूज इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स का। उसके बाद हमारे पास मार्क एंट्री। देखिए मार्क एंट्री कैसे करते हैं, ये मैं आपको वो टॉपिक सिखा रहा हूँ जो हमारे लिए यूज़फुल है, जो हम जिन्हें सीखकर किसी वर्क में यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे लिए खास खास टॉपिक है ये। अब मैंने क्या करा, मार्क एंट्री सेंटर पे गया और मैंने यहाँ से वो भी टेक्स्ट जो है सिलेक्ट करके उसे मैंने यहाँ पर मेन एंट्री पर जाके पेस्ट कर दिया। अब इसे मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, जो था मैंने ये मार्क एंट्री पर मैंने इसको सिलेक्ट कर करके मार्क कर लिया क्लिक करके। अब देखिए सारा सारा जो भी है, यहाँ पे एक तो टैब लग गया है, टैब का यूज में यूज हुआ है, जो यहाँ पे हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, रेफरेंस पे जाते हैं और जो हमने मार्क एंट्री की थी उसको जाके इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए जो हमने मार्क किया था वो भी आपको ये पेज नंबर के हिसाब से शो कर जाएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ मार्क की थी, वो आपके इजीली वो पेज नंबर के साथ वो शो कर जाएगा। तो ये था हमारा रेफरेंसेस जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल था। ये हमारे लिए ज़्यादातर मोस्टली इंडेक्स के लिए, जो भी हम बुक टाइप करते हैं, पब्लिशर जो भी बुक डिजाइन करता है पिक्चर्स के साथ, आपने देखा होगा कोई भी बुक ले लें, आप मैगजीन ले लें, तो वहाँ पर इंडेक्स नंबर आता ही आता है, प्लस वहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क होती हैं पिक्चर्स के बारे में आपको शो कराता है, इंडेक्स कौन सी पिक्चर किस क्वेश्चन की है, कहाँ की लाइन की है, किस कौन से पेज का है। तो ये सारा का सारा जो वर्क है ये पूरा का पूरा पब्लिशर को लेकर एक वर्क होता है। तो जो जो मेरे लिए खास इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे वो मैंने आपको आज करा है। ये हमारे पास था रेफरेंसेस। इसी तरह से आपको और भी हमारी क्लासेस मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को देखना ना भूलें, देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि जो भी हमारे पे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।